So our first article is going to be on the topic best refrigerators in India. And I'm going to pick 5 best refrigerators and write an article on the same. जब आप खुद आर्टिकल लिखोगे तो यू कैन पिक अप टॉप 10 या टॉप 15 रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया, बट एज आई एम राइटिंग दिस आर्टिकल टू जस्ट टू शो यू कि बैकएंड में आर्टिकल लिखा और पब्लिश कैसे किया जाता है, सो आई एम डूइंग इट फॉर जस्ट द टॉप 5 रेफ्रिजरेटर्स. सो यू ऑलरेडी नो कि हमें आर्टिकल लिखने के लिए यहाँ पोस्ट के सेक्शन पर होवर करना है एंड देन एड न्यू पर क्लिक करना है. ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था. सो ये तो हो गया वो सेक्शन जहाँ पर आकर आप आर्टिकल लिखोगे, बट आर्टिकल लिखने से पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको जो आर्टिकल्स ऑलरेडी गूगल पर रैंक कर रहे हैं आपको उनको जाकर स्टडी करना है, देखना है कि वो क्या कंटेंट लिख रहे हैं, ठीक है, देन उससे इंस्पिरेशन लेनी है एंड देन अपनी वेबसाइट के लिए, अपने वेब पेज के लिए उससे एक बेटर कंटेंट लिखना है. फॉर एग्जांपल अभी हम गूगल पर जाते हैं एंड सर्च करते हैं हमारा टारगेट कीवर्ड जो कि है बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया, ठीक है. यहाँ पे हम जो टॉप रैंकिंग वेब पेजेस हैं जैसे newindianexpress.com, जैसे energyconversiondevices.com, अभी हम दो का एग्जांपल ले लेते हैं. अभी इनके कंटेंट को देखते हैं कि इन्होंने कंटेंट कैसे लिखा हुआ है. तो सबसे पहले तो आएगा टाइटल, टाइटल में इनका टारगेट कीवर्ड आ रहा है, ठीक है. उसके बाद एक फीचर्ड इमेज आ रही है, देन उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली टॉपिक्स को दिखाया है कि जो भी बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे सिंगल डोर के अंदर, डबल डोर के अंदर, साइड बाई साइड डोर के अंदर, फ्रेंच डोर के अंदर. उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली लिस्ट समराइज कर दी है यहाँ पे, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्टली अमेजोन पर चला जाऊँगा, ठीक है. अभी कुछ आई थिंक पेज में दिक्कत आ रही है, अमेजोन का वेब पेज लोड नहीं हो रहा, तो जस्ट फॉरगेट इट. बट ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अमेजोन पर चले जाओगे, ठीक है. ये भी एक बेटर आइडिया रहता है बिकॉज आप इनिशियली एक लिस्ट दे देते हो तो जो यूजर्स पूरी इन्फॉर्मेशन रीड नहीं करना चाहते आपके कंटेंट की, तो भी यहाँ से क्लिक करके अमेजोन पर जाकर अगर अपना रेफ्रिजरेटर बाय कर लेते हैं तो आपका उसका कमीशन रिसीव हो जाएगा. तो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ये एक सही स्ट्रैटेजी है एंड आपको शुरू में डालने भी चाहिए लिंक्स, ठीक है. उसके बाद इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि रेफ्रिजरेटर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद किस तरीके से रेटिंग प्रोवाइड करते हैं वो डिफाइन किया है इन्होंने, ठीक है. उसके बाद इन्होंने अपडेट नहीं किया, 2020 का ही दिखा रहे हैं अभी तक, विच इज़ आई विल नॉट कंसीडर टू बी अ गुड फॉर्मेट, ठीक है. अगर 2021 में रेट कर रहे हो तो यू नीड टू अपडेट दिस, ठीक है. एंड उसके बाद इन्होंने यहाँ पे आर्टिकल की फ़ोटो भी नहीं डाली है, इमेज भी नहीं डाली है, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, ठीक है. आपको इमेज डालनी चाहिए, ठीक है. इन्होंने प्राइस डाल दिया, उसके प्रोज एंड कॉन्स डाल दिए, विच इज़ अ गुड वन, बट आपको इमेजेस भी डालनी है, ठीक है. उसके बाद हम एक और पेज देखते हैं जैसे एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस का. इन्होंने पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, एक टेबल ऑफ कॉन्टेंट दिया है, विच इज़ आई विल रिकमेंड यू टू यूज़. हम भी टेबल ऑफ कॉन्टेंट डालेंगे बिकॉज ये एक तो हमें एसईओ में भी हेल्प करेगा एंड यूज़र के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है. सपोजिंगली अगर मुझे यहाँ से डायरेक्टली देखना है कि जो फर्स्ट रैंकिंग रेफ्रिजरेटर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली उस पर जा सकता हूँ, ठीक है. टेबल ऑफ कंटेंट का मेनली ये पर्पज़ होता है. अब इन्होंने भी उसके बाद डिफाइन किया कि इन्होंने रेफ्रिजरेटर को पिक कैसे किया है, फीचर्स को एनालाइज किया, कस्टमर एक्सपीरियंस, प्रॉब्लमैटिक प्रोडक्ट, ड्यूरेबिलिटी, सर्विस क्वालिटी, ठीक है. उसके बाद इन्होंने 10 प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया है. तो यहाँ पर इन्होंने पहले इमेज को यूज़ किया, देन यहाँ पर प्राइस भी दिखाई है एंड उसके बाद चेक स्केल प्राइस का बटन दिया. अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो भी मैं अमेजोन पर चला जाऊँगा, ठीक है. उसके बाद अगर आप देखोगे थोड़ा सा इन्होंने उसका स्पेसिफिकेशन का इंट्रोडक्शन दिया है कि एक पर्टिकुलर मॉडल में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं. उसके बाद उन्होंने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को एक टेबल को यूज़ करके डिफाइन किया है जो कि यूज़र के लिए हेल्पफुल रहता है रीड करने के लिए. देन अगेन उन्होंने एक और बटन दे दिया, ठीक है. तो इससे टेंडेंसी बढ़ जाती है यूज़र की अमेजोन पर जाने की एंड आपका रिकमेंडेड प्रोडक्ट बाय करने की. उसके बाद इन्होंने अगेन नीचे देखते हैं क्या किया है. उसके बाद इन्होंने एक बाइंग डेट दे दी है जो कि हम कंटेंट में डालेंगे बिकॉज अगर हम कंटेंट लिख रहे हैं तो वी वांट कि यूज़र हमारे वेब पेज पर आए तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिले, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने को मिले, ठीक है. तो हम कहीं ना कहीं इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे एंड मैंने ऑलमोस्ट 7 से 8 वेब पेजेस को एनालाइज किया था
एंड उसके बाद मैंने एक ड्राफ्ट आर्टिकल आपके लिए ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पर जाकर तो आप नया आर्टिकल लिखोगे एड न्यू पोस्ट के ऊपर, ठीक है। तो मैंने एक ऑलरेडी एक ड्राफ्ट आर्टिकल लिख लिया है जिसको देखकर हम देखेंगे कि आर्टिकल को मैंने कैसे लिखा है, किस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है। क्योंकि अगर मैं आपको पूरा आर्टिकल लाइव अभी नया लिख के दिखाऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। मैं टाइप करके आपको सारा आर्टिकल यहाँ पे दिखाऊंगा तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी एक आर्टिकल लिख लिया है। मैं आपको यहाँ पे ब्लॉग्स का नया जो नया हमारा नया पोस्ट का सेक्शन है, एड न्यू पोस्ट का सेक्शन है, इसमें ब्लॉग्स का यूज़ कैसे करना है वो आपको सिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कल को जब आप आर्टिकल लिखोगे तो आपको ब्लॉग्स को कैसे यूज़ करना है, जैसे हेडिंग्स को कैसे यूज़ करना है, पैराग्राफ्स को कैसे यूज़ करना है, इमेजेस को कैसे डालना है, इमेजेस की ऑल टैग की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, यहाँ पे योस्ट एसईओ का प्लगइन है तो हमें अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी। बट आर्टिकल लाइव लिखना वो पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो अभी पहले जो मैंने ड्राफ्ट में आर्टिकल लिखा है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो ये आर्टिकल मैं ऑलरेडी एक लिख चुका हूँ, ठीक है। ये मैंने पूरा स्टडी किया था, ये आपके लिए ही स्टडी किया था, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके कि आर्टिकल हमें लिखना कैसे है, ठीक है। तो पहले मैंने टाइटल दिया, फिर मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, फिर एक फीचर्ड इमेज डाल दी है, ठीक है। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स को डाल दिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस ने भी डाला हुआ था, एंड आई टोल्ड यू कि मैं टॉप 5 रेफ्रिजरेटर्स के लिए लिखूंगा, बट आपको 10 या 15 पिक करने हैं, ठीक है, और उसके लिए आर्टिकल लिखना है। उसके बाद मैंने सब हेडिंग डाली है, दोबारा हमारे कीवर्ड को यहाँ पे डाला है। देन मैंने यहाँ पे पहला जो टॉप रेटेड रेफ्रिजरेटर है सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, उसको लिस्ट किया। देन उसकी रेटिंग बताई कि कितनी रेटिंग्स हैं, ये आप अमेजोन पर जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। देन मैंने एक बटन दे दिया, क्लिक हेयर टू बाय दिस एट द बेस्ट डील ऑन अमेजोन, ठीक है। तो यूज़र को पता होगा कि वो यहाँ पे क्लिक करके अमेजोन पर ही जाएगा, तो ये क्लियर होना चाहिए। जितना क्लियर यूज़र के लिए होगा आपकी वेबसाइट उतना उसे सेफ लगेगी एंड उतना ही गूगल को सेफ लगेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स को डाल दिया यहाँ पे। यहाँ पे आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का सेक्शन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो भी बेटर रहेगा। एंड इसमें ऐड भी कर सकते हो हाईलाइट्स के बाद भी, ठीक है। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि मैंने किस तरीके फॉर्मेट फॉलो करके ये आर्टिकल लिखा है, तो वो आप खुद भी कर सकते हो एंड आपको खुद ही करना पड़ेगा, खुद स्टडी करके कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा डालनी है। बट हाँ, ये ब्लॉग्स आपको कैसे क्रिएट करने हैं, लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस लेक्चर में सिखाऊंगा। एंड इन हाईलाइट्स को स्टडी करने के लिए डेफिनेटली आपको पता नहीं होगा कि कौन से मॉडल में क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये आता कि आपको कौन से रेफ्रिजरेटर्स यहाँ पर लिस्ट करने हैं। तो देखो, सबसे पहले जब आपको लिस्टिंग करनी है ना, तो आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना है। फॉर्मेट ये फॉलो करना है कि आप अमेजोन पर जाओ, जो भी रेफ्रिजरेटर्स वहाँ पे बेस्ट सेलिंग रेफ्रिजरेटर्स हैं आप उन्हें पिक करो, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत हाई वॉल्यूम पे सेल हो रहे हैं, ठीक है, उनकी टेंडेंसी ज़्यादा है सेल होने की। तो आप उन्हीं रेफ्रिजरेटर्स को पिक करोगे, अपना कोई नया आइडिया नहीं लगाओगे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ पहले अमेजोन पर। तो अब हम आ गए अमेजोन पर एंड यहाँ पे मैं सर्च करना है रेफ्रिजरेटर्स। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बेस्ट सेलिंग रेफ्रिजरेटर्स मिलेंगे कैसे, कैसे आपको पता लगेगा कि कौन से रेफ्रिजरेटर सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं अमेजोन पर, ठीक है। अब आप किसी भी रेफ्रिजरेटर को ओपन कर लो यहाँ से, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है, एंड यहाँ पर आना है बेस्ट सेलर रैंक के ऊपर, ठीक है। इस रेफ्रिजरेटर का रैंक है 1844 इन होम एंड किचन अप्लायंसेस कैटेगरी, ठीक है। टॉप 100 अगर आप यहाँ से चेक करना चाहो होम एंड किचन के अंदर, तो वो भी चेक कर सकते हो, बट हमें चेक करना है रेफ्रिजरेटर्स की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो नंबर टॉप 6 इन रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, ये जो मॉडल हम देख रहे हैं ये नंबर 6 रैंक कर रहा है बेस्ट सेलिंग रेफ्रिजरेटर्स में, ठीक है। तो ये सेक्शन होता है अमेजोन बेस्ट सेलर्स का। तो यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर्स मिल जाएंगे जो सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं अमेजोन के ऊपर। सबसे पहले देखो सिंगल डोर है, ठीक है, फिर ये वर्लपूल का आर्टिकल है जो आई थिंक अभी हमने यहाँ पे लिस्ट किया है, उसके बाद सैमसंग का डबल डोर आ गया, फिर सैमसंग का 198। तो ये टॉप सेलिंग रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको टॉप 10 या टॉप 20 को एनालाइज करना है, ठीक है, जो भी आपको बेस्ट लगेंगे आपको यहाँ से वो आर्टिकल। सबसे पहले सपोजिंगली मुझे इसको ही लिस्ट करना होता, अभी मैंने वर्लपूल के यहाँ पे जो आर्टिकल लिस्ट किया वर्लपूल का है, तो ये जो लिस्ट है ये थोड़ा चेंज होती रहती है, ठीक है। जब भी आप आर्टिकल लिखोगे तो आपको कोई से भी जो बेस्ट सेलिंग रेफ्रिजरेटर्स हैं वो पिक करने हैं। जब मैंने ये ड्राफ्ट लिखा था तब वर्लपूल का यहाँ पे टॉप नंबर 1 पे आ रहा था, अभी वो आर्टिकल नहीं आ रहा, वो मॉडल नहीं आ रहा, ठीक है। नो वरीज, आपको यहाँ पे अगर जब आप आर्टिकल लिखोगे तो जैसे अगर सपोजिंगली अभी लिखते हो तो आपको सैमसंग को यहाँ से पिक करना है, ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे लिस्ट आउट कर देना है। अब
क्वेश्चन ये आता कि आपको कैसे पता लगेगा कि सैमसंग में कौन कौन से फीचर्स हैं इस रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो कुछ तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बट आपको ये सारी स्पेसिफिकेशंस कॉपी नहीं करनी होती, सेम टेक्स्ट को कॉपी नहीं करना कभी भी, ठीक है। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप टेक्स्ट कॉपी करोगे तो प्लैगरिज्म का इशू लग सकता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, फिर रैंकिंग कभी भी नहीं मिलेगी आपको। तो आपको यहाँ से इसके टाइटल को कॉपी करना है अभी, ठीक है, एंड देन दोबारा गूगल पर जाओ एंड इस टाइटल को यहाँ पे सर्च करो। सबसे पहले अमेजन का रिजल्ट आ गया, फिर ये आ गया सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट का। अब आप जाओ सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो लो जी ये सेम वो आर्टिकल है जो अमेजन पर लिस्ट हो रखा था, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको स्टडी करना है, ठीक है। आप ये बता रहे हैं कि ये क्या क्या स्पेसिफिकेशन हैं इसकी, ठीक है, सेफर एंड स्ट्रॉन्गर शेल्व्स हैं, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन हैं, ठीक है। उसके बाद आप और नीचे आओगे तो यहाँ पे और आपको डिज़ाइन की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, स्टाइलिश क्राउन डिज़ाइन है, ठीक है। उसके बाद क्लियर व्यू लैम्प का फीचर है, ठीक है, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है। देन उसके बाद नीचे आओगे तो शेल्फ्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि टफन ग्लास यूज़ किया है इन्होंने, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल गास्केट है इसके अंदर, सेफ क्लीन बैक है, ठीक है, जो सरफेस है वो ईजिली क्लीन हो जाता है, मोर बॉटल स्पेस है। उसके बाद वेजिटेबल्स आप ज़्यादा स्टोर कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। आपको रीड करना पड़ेगा, फिर इसके अंदर आपको देखना है कि टोटल इसकी कैपेसिटी कितनी है, ग्रॉस कैपेसिटी कितनी है, दैट इज़ 192 लीटर। डायमेंशंस क्या है, जब यूज़र बाय करते हैं तो उनको डायमेंशंस पता होनी चाहिए, तो स्पेशली वो ऑनलाइन बाय करते हैं तो आपको स्पेसिफिकेशंस को भी मैंशन करना है, ठीक है। इसका नेट वेट कितना है, कौन सी कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन देखनी है, व्यू मोर पे क्लिक करो, ठीक है। एनर्जी स्टार क्या है इसका, 2 स्टार एनर्जी रेटिंग है इसकी, ठीक है। उसके बाद और ऊपर आओगे तो लॉक एंड की है, यस लॉक एंड की भी है, ठीक है। कंप्रेशर की इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, साइक्लोपेंटेन इंसुलेशन है इसके अंदर, आइस मेकर आइस ट्रे है जो कि डेफिनेटली होती है, ठीक है, एग कंटेनर्स हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे के मिल जाती है, सबको आपको स्टडी करना पड़ेगा। और इसका बेस्ट जो प्लेटफॉर्म होता है एक आर्टिकल को स्टडी करने का, वो होती है एक उसके आर्टिकल की, उस मॉडल का जो ब्रांड है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे आके सब कुछ स्टडी करना है, बिकॉज जो भी आपको डेटा मिलेगा सबसे पहले तो वो ऑथेंटिकेटेड डेटा होगा, आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो गलत हो, ठीक है। तो यहाँ पे आके वो पूरा स्टडी करो आप, ठीक है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर उस आर्टिकल की स्पेसिफिकेशंस हैं जो हाइलाइट्स हैं वो आपको यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। ऐसे आपको बाकी आर्टिकल्स के लिए करना है। इमेज को डाउनलोड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहीं पे आओ, ठीक है, अमेजन पे इसी पे आओ, अमेजन के वेब पेज पे इसको ओपन करो, ठीक है, इसे ओपन करो, यहीं से इस इमेज को डाउनलोड कर लो, ठीक है, एंड अपने डेस्कटॉप के अंदर सेव करते रहो, ठीक है। बाद में जब आप यहाँ पे लोड करोगे मैं आपको समझा दूंगा कि आपको कैसे यहाँ पे अपलोड करनी है डायरेक्टली, ठीक है। तो टॉप 5 आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए, उसके बाद मैंने बेस्ट ब्रांड्स के बारे में बताया, यहाँ पे मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है। आप चाहो तो LG इंडिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो कि लेट्स से LG इंडिया के कौन कौन से रेफ्रिजरेटर्स आते हैं। LG बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड होगा आई थिंक रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, टॉप सेलिंग रेफ्रिजरेटर्स आपको LG के ही मिलेंगे। उसके बाद सैमसंग है, उसके बाद हायर है, उसके बाद वर्लपूल है, ठीक है। तो उसकी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे आके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहो अगर, तो LG इंडिया के बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो कि लेट्स से LG इज़ द बेस्ट ब्रांड इन रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है। तो ऐसे आप और इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हो, ठीक है, बता सकते हो कितने यूनिट सेल करता है LG एनुअली और कितना टर्नओवर है LG का रेफ्रिजरेटर सेगमेंट के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च करोगे गूगल पे जाके तो मिल जाएंगी, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालोगे उतना यूज़र के लिए अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने बाइंग गाइड दे दी है, बाइंग गाइड के अंदर मैंने सबसे पहले बताया कि रेफ्रिजरेटर्स होते कितने टाइप्स के हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, यूज़र को पता होना चाहिए। सबसे पहले सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स हैं, इनकी क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स हैं, डबल डोर रेफ्रिजरेटर की क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, कैसे सिंगल डोर से अलग होते हैं, तो यूज़र को ये पढ़ के समझ में आ जाएगा। उसके बाद ट्रिपल डोर में क्या क्या होता है, उसके बाद साइड बाय साइड डोर में, देन फैमिली साइज एंड कैपेसिटी कैसे डिपेंड करते हैं, मतलब जितनी ज़्यादा आपका फैमिली साइज़ होगा आपको डेफिनेटली उतनी ज़्यादा कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर चाहिए होगा। ये एक आइडियल सिनेरियो है, अगर आप वॉशिंग मशीन लेते हो तो भी ये सिनेरियो सेम रहता है, ठीक है। कुछ भी स्टोरेज का सामान लेते हो तो भी सेम रहता है,
ठीक है, डायमेंशंस मैंने बताए हैं यहाँ पे, डायमेंशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, देन डीप फ्रॉस्टिंग टाइप्स क्या होती है, एनर्जी रेटिंग क्या होती है, टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं रेफ्रिजरेटर्स के अंदर जो मेनली आपके लिए यूजफुल है, ठीक है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी हो गई, उसके बाद कंक्लूजन दिया है मैंने नीचे यहाँ पे आके, ठीक है, कि मैंने ऊपर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसका जो कंक्लूजन है वो मैंने डेफिनेटली यहाँ पे नीचे प्रोवाइड किया है। अब बात ये आती है कि ये आर्टिकल मैंने लिखा कैसे, क्या फॉर्मेट फॉलो किया, इमेजेस कैसे लगाई, टेक्स्ट कैसे ऐड किया, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस नए सेक्शन में आके करके दिखाऊंगा लाइव।